वेलकम टू फूड गणेशा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम मैंगो मटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक लीटर फुल फैट अमूल गोल्ड दूध लिया है। फुल फैट मिल्क आपको यूज करना है। यहाँ पे मैंने एक लीटर लिया है। एक बड़े से बर्तन में हम सबसे पहले दूध को गर्म करने के लिए रखेंगे, उसका उबाला लाएंगे। मठो या तो जो श्रीखंड होता है वो बेसिकली दही में से बनता है, तो यहाँ पे हम दही बनाने की सबसे पहले प्रोसेस करेंगे। तो घर पे ही दही बनाएंगे तो वो सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी होगा। गैस ऑन करके हम इस तरह से पतीला रखेंगे दूध का। दूध का उबाला आने तक हम इसको गर्म होने देंगे। तो दूध का उबाला आना शुरू हो गया है। इस तरह से उबाला आ जाए हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। दूध ठंडा हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। दही जो है अगर आपके घर पे अवेलेबल ना हो तो आप डेयरी का यूज कर सकते हैं। आधी चम्मच से भी कम दही मैंने डाला है। अब हम इस तरह से इसको ढककर 6 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि दूध जो है वो अच्छे से जम जाए। तो दही एकदम अच्छे से जम गया है, एकदम अच्छे से। 7 से 8 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी जो थिकनेस है ये आप देख सकते हो, इस तरह से होना चाहिए ये फॉर्म में। अब जो है हम दही को ये 2 घंटा मैंने फ्रीज में रखा ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए और थिक हो जाए। तो ये मैंने फ्रीज में रखा है 2 घंटा दही को, दही जम जाने के बाद। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हम एक बर्तन में इस तरह से छलनी रखेंगे। एक प्योर कॉटन का कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे। कॉटन है और एकदम ही पतला है ये जो कापड़ है वो। उसी में हम धीरे धीरे करके ये दही डालेंगे। इस तरह से हम सारी साइड से इस तरह से इसको, ये जो मटेरियल है उसको इकट्ठा करेंगे। इस तरह से सारी साइड से हम ये जो मटेरियल है उसको इकट्ठा करेंगे और इस तरह से दही में से जो भी पानी है वो हम इस तरह से नीचे की साइड जमा कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने रोल कर दिया है। एक बार प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो पानी कंटिन्यू गिर रहा है। इसके बाद हम ये जो कापड़ है वो हम इस तरह से रखेंगे, पानी जो है उसको फेंक देंगे और इसके ऊपर हम कोई हैवी चीज रखेंगे इस तरह से। इस तरह से उल्टा करके हम हैवी चीज रखेंगे, गिरे ना उसका आपको ध्यान रखना है। सो इस तरह से ये जो हमने पूरा सेट बनाया है, तब ये जो पतीले के ऊपर ये छलनी रखी है उसमें एक कपड़े में, कॉटन के कपड़े में हमने दही रखा है और उसको बंद करके उसके ऊपर ये, और इसके ऊपर हमने ये खल रखा है, वो बहुत ही हैवी होता है इसलिए। अब ये जो पूरा सेट है वो आप फ्रीजर में भी रख सकते हो, सॉरी फ्रिज में भी रख सकते हो ताकि दही जो है उससे खट्टा नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ी खल है, इसकी जगह पे आप अगर छोटी सी कोई बड़ा सा स्टोन होगा, मार्बल का या ऐसा टुकड़ा होगा तो वो भी चलेगा, वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हो। तो ये अगर आप पूरा सेट फ्रिज में रखोगे तो उससे जो दही है उसमें थोड़ी सी भी खटास नहीं आएगी, खट्टापन टेस्ट नहीं आएगा दही में। जो लास्ट में जो पल्प रहता है उसमें थोड़ा सा भी खट्टापन टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ये पूरा जो सेट हमने बनाया है वो आप फ्रिज में रख सकते हो 2-3 घंटे के लिए, ताकि पानी भी गिर जाए नीचे और जो दही है वो भी खट्टा ना हो जाए। अगर इस तरह का खल ना हो तो वजन करने के लिए हम इस तरह से एक छोटा सा डब्बा लेंगे स्टील का, उसमें हम बहुत सारी
इस तरह से कटोरी रखेंगे एक साइज की, तो इसका वजन काफी हो जाएगा। और उसके अंदर छोटी सी कटोरी रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से ये जो हमने पूरा सेट बनाया है वो इसके ऊपर रखेंगे, ताकि इसका काफी सारा वजन आएगा और फ्रिज में रखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज है तो फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती, लंबाई नहीं होती, तो ये एकदम कंफर्टेबल रहता है। और सिर्फ एक ही बर्तन गंदा होगा, नीचे का जो डिब्बा है वो, बाकी सारे जो बर्तन है वो एकदम क्लीन है, तो वो आप डायरेक्टली वापस ड्रॉवर में रख सकते हो, सिर्फ ये ही हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो शुरुआत के 10-15 मिनट हम ये जो हमने सेट बनाया है उसको बाहर ही रखेंगे। बाहर एक बार आधा से ज्यादा पानी थोड़ा निकल जाए, क्योंकि शुरुआत में पानी बहुत ही तेजी से स्पीडी से निकलता है, तो 10-15 मिनट हम इसको बाहर ही रखेंगे, ताकि पानी जो है वो हम इसमें से निकाल दे और उसके बाद ही हम फ्रिज में रखेंगे। तो इस तरह से फ्रिज में ये मैंने पूरा सेट रख दिया है। अब हम फ्रिज बंद करके इसको 5 से 6 घंटे तक एज इट इज रखेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप 3 घंटे के बाद भी इसको यूज कर सकते हो, अगर 2-3 घंटे ज्यादा रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी सारा नीचे जमा हो जाएगा, जो लचका है वो यहाँ पे रहेगा और वो ठंडा होगा, इसलिए खट्टापन भी इसमें ज्यादा टेस्ट नहीं होगा। 5 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये जो बर्तन था वो पूरा यहाँ तक ऊपर तक टच था, वो काफी नीचे आ गया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, ऊपर के सारे बर्तन हम हटा लेंगे जो कि एकदम अच्छे क्लीन ही है, सिर्फ यही हम वॉश करने के लिए डालेंगे। आप देख सकते हो ये जो मस्का है उसमें से सारा जो पानी है वो निकल गया है, और ये रहा एकदम क्लीन पानी। ये आप रोटी के आटा बनाने में यूज कर सकते हो, प्लांट्स में डाल सकते हो, या तो फिर अगर आप कढ़ी बनाने वाले हो तो 1-2 दिन तक आप ये पानी यूज कर सकते हो। तो अब हम इसको खोल कर देखेंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ रोल ही किया था, आप देख सकते हो एकदम क्रीमी मस्का तैयार हुआ है, जिसमें खट्टापन थोड़ा सा भी नहीं है। अब सारा मस्का हम एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे, सारा मस्का हम निकाल देंगे इसमें। अब ये मस्के में हम शुगर ऐड करेंगे, पीसी हुई चीनी, तो उसके लिए मैंने आधा कप चीनी दी है, जिसको मैं मिक्सर जार में ऐड कर रही हूँ। ये जो पीसी हुई चीनी है उसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है, इसकी जो खट्टापन होता है उस हिसाब से हम चीनी ऐड करेंगे। तो पहले तो 4 चम्मच तो हम डाल ही देंगे, फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ऊपर से हम डालें एक्स्ट्रा चीनी या तो फिर न डालें। तो अब आपको इसको अच्छे से फेंटना है 10 से 12 मिनट तक। फेंटते समय आप बीच में 1-2 बार टेस्ट कर सकते हो, अगर आपको बहुत ही खट्टापन महसूस होता है तो आप थोड़ी सी चीनी, 1 से 2 चम्मच चीनी आप इसमें ऊपर से ऐड कर सकते हो। कंटिन्यू इसको हिलाते रहना है इस तरह से। अभी ये बहुत ही हैवी है, जैसे जैसे हम हिलाते जाएंगे वैसे ही ये एकदम सॉफ्ट बनता जाएगा। जैसे जैसे हम हिलाते जाएंगे तो ये जो सारी गुठलियाँ है वो कम्प्लीटली टूट जाएगी और अच्छे से एकदम फ्लफी जो मठो है, श्रीखंड है, वो क्रिएट होगा। कंटिन्यू आपको हिलाते रहना है इस तरह से, और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। इसमें थोड़ा खट्टापन टेस्ट है तो ऊपर से मैं 2 चमची एक्स्ट्रा चीनी डाल रही हूँ। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया है, इसमें आप कोई भी फ्लेवर मिला सकते हो, ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो, इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन आज मैं केसर मैंगो का पल्प ऐड कर रही हूँ मैंगो फ्लेवर के लिए। तो ये जो मैंगो पल्प है उसको हम मिक्सी में डालेंगे। ये जो आम है प्योर केसर आम है और बहुत ही मीठा है, तो इसमें मैं शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ। अब ये आम का पल्प हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करना है, नहीं तो बहुत ही लिक्विडी हो जाएगा। और बीच बीच में हम इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे।
इतना जो पल्प है वो सुफिशियंट है, अब हम इससे ज़्यादा पल्प नहीं ऐड करेंगे। आप देख सकते हो कलर जो है वो इंस्टेंटली आ गया है येलोइश कलर। और एक बात, जैसे ही आप इसको ये फ्रिज में रखोगे तो ये जो मठो है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो अभी आपको शायद लग रहा होगा कि थोड़ा लिक्विड ही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको फ्रिज में रखोगे एक दो घंटे के बाद आप देखोगे तो थोड़ा सा थिक हो गया होगा। तो बस इतना कलर इनफ है। फिर भी मैं एक स्पून आमरस इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आम जो है वो बहुत ही पका हुआ था, इसीलिए उसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, ये रस निकालने के लिए, पल्प बनाने के लिए। इसमें आप केसर इलायची भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो ये हमारा मठो रेडी है, मैंगो मठो, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है टेस्ट में। और पूरी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक एयरटाइट डिब्बे में हम ट्रांसफर कर देंगे फ्रिज में रखने के लिए। तो एकदम क्लीन और बाजार से भी सस्ता हमने ये बनाया है मैंगो मठो। आप फ्रिज में 2 से 3 दिन तक इसको स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं फ्रिज में। तो फ्रिज में से निकालने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, बाहर जो था पहले उससे थोड़ा ये गाढ़ा थिक हो गया है। इसमें आप इलायची पाउडर एडिशनली ऐड कर सकते हो। क्यों लाइको मठो? हाँ टेस्टी। बोलो।